रायबरेली सैन्य क्षेत्र के ग्राम सभा सराय बहेरिया खेड़ा में भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट ने रखा कार्यक्रम। आज दिनांक 25/12/2021 भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट किसानों की समस्याओं को लेकर के ग्राम सभा सराय बहेरिया खेड़ा में किसानों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने हेतु सरकार से मांग किया। किसानों को समय से यूरिया आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाए और नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए आदि मांगे रखी। संवाददाता श्रवण कुमार रायबरेली। भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे गांव की कुछ ऐसी समस्याएं थी, उन गांव की मेन समस्याओं के निदान के लिए आज मैंने यहाँ पर पंचायत लगवाई और जिससे कि गांव में सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि आने जाने के रास्ते की, गांव के भीतर भी जो है लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है, इतना अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने। तो एक मेन पंचायत तो ये है इसका मुख्य, लेकिन और जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे जो बीत गया उसे तो छोड़ दो, लेकिन जो आगे आने वाली समस्याएं हैं उनके निदान के लिए संघर्ष किया जाए। पीछे जो हुआ उसका संघर्ष करने से क्या फ़ायदा या उस पर डिस्कस करने से क्या फ़ायदा, लेकिन आगे किसानों को परेशानी न होने पाए इसके लिए हम कृतिसंकल्प हैं, कृतबद्ध हैं। हमारा गुट जो है जिसे दद्दू गुट के नाम से आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया, प्रांतीय अध्यक्ष जी हमारे खड़े हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी खड़े हैं, जिला अध्यक्ष खड़े हैं, दो दो जनपद के उन्नाव और रायबरेली के, हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं रोशन लाल जी होंगे, देखिएगा ये त्रिवेदी शंकर जी खड़े हैं, ये सभी लोग मतलब इस उस पर चल रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनके जो मूलभूत अधिकार हैं या उनको जो मिलना चाहिए सरकारों के माध्यम से जो आ रहा है कम से कम उसको हम पहुंचा तो सके, इसको ध्यान में देने के लिए किसान यूनियन पूरी तरीके से दद्दू जागरूक है। दादा आपका परिचय क्या है? गंगा प्रसाद त्रिवेदी रजोल दद्दू भाई, भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ कौन सा कार्यक्रम था? यहाँ किसानों की पंचायत थी, किसानों की समस्याओं को लेकर के, तमाम किसानों की समस्याएं हैं, आवारा पशु हैं, नहरों में पानी ना आना, धान केंद्र में धान न तौलाई होना सही और वहाँ दलाली घुस होना, इन सब बातों को लेकर के किसानों के रास्ताएं तमाम बंद हैं, पेंशन और कॉलोनी गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं, इन सब बातों को लेकर के सरकार के कारिंदों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार दे रही है कारिंद सभी धर लोग आराम से बैठ जाएं, करते हैं शांति से बैठ जाएं, इसी को लेकर के किसान पंचायत की जा रही है गांव-गांव में, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, अधिकारी कर्मचारी के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, जो किसानों के हक की व्यवस्था है वो किसानों तक आना चाहिए, बंदरबाट नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या करोगे? हम आंदोलन करते रहेंगे, अभी आपने देखा दिल्ली में 12 महीना आंदोलन हुआ, हम उसी गुट के हैं, 12 महीने हुआ है, सरकार को झुकना पड़ा है, तो सरकार हमारी इन छोटी छोटी बातों को नहीं सुनेगी। जो किसानों की समस्या है वो तो बहुत बड़ी मांग थी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।